न्यूज़, सच जरूरी है। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। मैं हूँ आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। राहुल ने US में डेटा सिक्योरिटी को लेकर PM मोदी पर बोला हमला, कहा मेरा फोन टैप किया जा रहा था। राहुल गांधी ने सिलिकॉन वैली के AI विशेषज्ञों और स्टार्टअप उद्यमियों के साथ की बातचीत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अमेरिकी यात्रा पर है। इस दौरान राहुल गांधी ने बुधवार को सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बातचीत की। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा और भारत से राहुल के साथ यात्रा कर रहे कुछ अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ ब्लग एंड प्ले सभागार की अग्रिम पंक्ति में राहुल बैठे थे और इस दौरान वह कृत्रिम मेधा, बिग डेटा, मशीन लर्निंग के विभिन्न पहलुओं और मानव जाति पर उनके प्रभाव के साथ ही शासन, सामाजिक कल्याण के उपायों आदि पर चर्चा करते नजर आए। कैलिफोर्निया के सनीवेल में स्थित प्लग एंड प्ले टेक सेंटर को स्टार्टअप्स का उद्भव स्थल माना जाता है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं संस्थापक सईद अमीदी के अनुसार प्लग एंड प्ले में 40% से अधिक स्टार्टअप के संस्थापक भारतीय या भारतीय अमेरिकी है। अमीदी ने कार्यक्रम के बाद बताया कि राहुल की IT क्षेत्र में गहरी समझ दिखी और नवीनतम तथा अत्याधुनिक तकनीकों के बारे में उन्हें काफी कुछ पता है। अमीदी और फिक्सनिक्स स्टार्टअप के संस्थापक शॉन शंकरन के साथ बातचीत के दौरान राहुल ने तकनीक को भारत के दूरदराज गांव के लोगों से जोड़ने और उसके प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, यदि आप भारत में किसी भी तकनीक का प्रसार करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जहां शक्ति अपेक्षाकृत विकेंद्रीकृत हो। राहुल ने इसके बाद ड्रोन प्रौद्योगिकी और उसके नियमन ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र किया। उन्होंने कहा, यह नौकरशाही स्तर पर बाधाओं का सामना कर रहा है। राहुल ने कहा कि डेटा एक तरह का सोना यानी गोल्ड है और भारत जैसे देशों के इसकी वास्तविक क्षमता को पहचान लिया है। उन्होंने कहा, डेटा सुरक्षा पर उचित नियमों की आवश्यकता है। हालांकि पेगासस स्पाईवेयर और इसी तरह की तकनीक के मुद्दे पर राहुल ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि वह इसको लेकर चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा, एक समय था जब उन्हें पता था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और उन्होंने अपने आईफोन यानी मोबाइल पर मजाक में कहा, हेलो मिस्टर मोदी। राहुल ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया गया। आपको एक राष्ट्र के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी डेटा सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर कोई राष्ट्र तय करता है कि वह आपका फोन टैप करना चाहता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता, यह मेरी समझ है। राहुल ने दावा किया, अगर देश फोन टैपिंग में दिलचस्पी रखता है तो यह लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी काम करता हूँ वह सब कुछ सरकार के सामने है। प्लग एंड प्ले में AI कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी की मेजबानी करने वाले शंकरन ने कहा कि वह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर उनकी समझ से बहुत प्रभावित है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के CM ममता बैनर्जी का पहलवानों के समर्थन में मार्च, हाथ में दिखा वी वांट जस्टिस का पोस्टर। दिल्ली पुलिस द्वारा पहलवानों के साथ हाल ही में एक गई बदसुल्की के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी बुधवार को एक रैली में शामिल हुई। उन्होंने राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास को विरोध रैली आयोजित करने की पहले ही सलाह दी थी। शाम करीब 4 बजे विरोध रैली शुरू होने से ठीक पहले विश्वास ने घोषणा की कि रास्ते में सबको सरप्राइज मिलेगा। जब रैली भवानीपुर क्षेत्र में पहुंची तो मुख्यमंत्री वी वांट जस्टिस की तख्ती के साथ रैली में शामिल हुई। पहले भी बैनर्जी पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में मुखर रही है और दावा किया कि देश के लिए प्रतिष्ठा और सम्मान लाने वाले पहलवानों का उत्पीड़न देश के लिए शर्म की बात है। रैली में उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि पहलवान अपने पदक बहाने गंगा नदी के तट पर भी गए। उन्होंने कहा, यह उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी की पहलवानों की मांग का समर्थन करते हैं।
इस मुद्दे पर हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। यह शर्म की बात है कि देश के लिए सम्मान लाने वाले हमारे पहलवान इस तरह के अपमान का सामना कर रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन और एकजुटता उनके प्रति है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेसलर से जांच पूरी होने तक धैर्य रखने का आग्रह किया। भारत के शीर्ष पहलवानों द्वारा हरिद्वार में गंगा नदी में अपने पदक बहाने की धमकी के एक दिन बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि पहलवानों को आरोपों की जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। महिला रेसलर्स ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा, मैं पहलवानों से जांच के परिणाम तक धैर्य रखने का आग्रह करता हूं। उन्हें यानी पहलवानों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे खेल या खिलाड़ी का नुकसान हो। हम सभी खेल और खिलाड़ी के पक्ष में हैं। उनकी टिप्पणी हरिद्वार में हुई नाटकीय घटनाओं के एक दिन बाद आई, जहां बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगट सहित प्रदर्शनकारी पहलवान अपने सभी पदक गंगा में बहाने पहुंचे थे, लेकिन खाप और किसान नेताओं के हस्तक्षेप के बाद वे 5 दिनों तक रुकने को तैयार हो गए। पहलवान ब्रजभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिस पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस बीच एक रैली को संबोधित करते हुए WFI प्रमुख ने कहा कि दोषी साबित होने पर वह फांसी पर चढ़ने को तैयार है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसे अदालत में पेश करें और मैं कोई भी सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज पर। नमस्कार।